विचार करना है आपको। एक शहर में आप जाके रहते हैं, किराए का मकान रहते हैं। एक बात बताओ, चार भाई यदि शहर में किराए के मकान में रहेंगे, चार मकान लेंगे, किराया कितना लगेगा बताओ? बारामती का रेट मत बताना, आगे का क्या किराया लगेगा? एक का 10,000 कम से कम, कम से कम थर्ड क्लास मकान होगा, और चार भाई चार मकान लेंगे, कितना पैसा लगेगा? 40,000। एक बात बता दो, यदि चारों भाई एक मकान में रहें तो जो 40,000 खर्च हो रहा है वो 10,000 में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं आराम से, और 30,000 में उनका घर चल सकता है। एक बात याद रखिए, यदि साथ साथ रहोगे तो बहुत आसान की जिंदगी गुजरेगी। एक बात याद रखना, अलग अलग रहोगे तो नमक भी महंगा पड़ेगा मेरे भाई, आटा दाल भी महंगा पड़ेगा, और साथ साथ रहोगे तो फायदे ही फायदे हैं, ध्यान रखिए। नहीं तो होता क्या है, अलग अलग रहते हैं ना। अभी देवरानी चली गई पीहर, दूसरे जेठानी के यहां पति भोजन नहीं कर सकता, होटल से डिब्बा मंगाता है, खाता है, अपना समय गुजारता है, नौकरानी बना के देती है। यदि साथ साथ रहो मेरे भाई तो ना खाने की चिंता ना पीने की चिंता। कभी कभी तो साथ साथ रहो तो ऐसा भी होता है कि कमाते चार लोग हैं और खाते पांच लोग हैं, खाते 20 लोग हैं, तो भी घर में परिवार में अभाव के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। चार भाई में एक नई भी कमा रहा है तो वो भी चल जाया करता है, उसकी भी जिंदगी आराम से कट जाया करती है। जुड़ने में फायदा है, बिखरने में कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। मान्य भाई कभी भाई की बात ना काटे, यदि घर को सुखी रखना है। बड़े भाई ने जो कह दिया छोटा भाई उसे काटने का प्रयास ना करे, और छोटे भाई ने जो कह दिया बड़ा भाई उसे ना काटे। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हुआ करती हैं, छोटी छोटी बातें हम काट दिया करते हैं, एक दूसरे का विरोध कर दिया करते हैं। कोई बात नहीं, गलत कर रहा है ना, ठोकर लगेगी संभल जाएगा, ध्यान रखिए। मान्य एक दूसरे की बात ना काटे, एक दूसरे का सम्मान रखने का प्रयास करें। और एक संग एक बात ध्यान रखना, कभी भी सबको नाराज कर लेना, भाई को नाराज मत करना। जिन जिन ने भाइयों को नाराज किया उनकी लंका डही है मेरे भाई, ध्यान रखना। भाई को कभी नाराज मत करना, क्योंकि तुम इतिहास को देखो, बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, दशा क्या हुई उसकी? राम ने छिपके तीर से उसके प्राणों का अंत कर, बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, रिजल्ट आपको मालूम है। रावण ने विभीषण को नाराज किया, क्या हुआ? एक लख पूत सवा लख नाती, तहां रावण घर दिया ना। एक विभीषण ना होता तो रावण के मरने का कोई रास्ता भी ना। एक रावण ने विभीषण को नाराज किया, लंका बर्बाद हो गई। कौरवों ने पांडव को नाराज किया, हस्तिनापुर तबाह हो गया। ध्यान रखिए, विचार करिए, भरत बाहुबली ने भरत ने बाहुबली को नाराज किया, चक्रवर्ती का मान भंग हो जाया करता। भाई को नाराज मत करना, पत्नी नाराज हो जाए चल जाएगा, पड़ोसी नाराज हो जाए चल जाएगा, भाई नाराज नहीं होना चाहिए। घर का भेदी लंका डा। भाई को प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, ये तो कोई पुराण की कहानी नहीं है, ये तो जीती जागती कहानी है। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, भाई ने आकर उसे शूट कर दिया, ध्यान रखिए। और मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया, हस्त्र आपको मालूम है। जिंदगी में कभी भाई को नाराज मत करना, भाई से तो बनाकर ही चलना चाहिए। भाई तो हमारी भुजा हुआ करता है, भाई हमारी ताकत हुआ करता है। भाई भाई के दुश्मन कभी ना बने, वरना हस्त्र बहुत बुरा हुआ करता है, ध्यान रखिए। क्योंकि दुश्मनों को नहीं मालूम कि हमारी कमजोरी क्या है, भाई को मालूम है कि हमारी कमजोरी क्या हुआ करती है। दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से, ध्यान रखिए। मान्यवर, भाई को नाराज मत करो, भाई से प्रेम रखो, भाई से इज्जत रखो। रावण की मृत्यु का समय है, मृत्यु सैया में रावण लेटा हुआ है, अंतिम सांस गिन रहा है, अंतिम संस्कार का समय आ गया है, धराशाही पड़ा है रावण जमीन पर। वो रावण जिसके पास अदम्य क्षमताएं थी, अदम्य साहस था, नवग्रह जिसके दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े रहते थे, यमराज जिसके चरणों में लेटा रहता था, ऐसा रावण शक्तिशाली। कहते हैं जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांप जाया करती थी, रावण अट्ठास करता था तो आकाश गूंज जाया करता था, अरे देवता भी जिससे भयभीत रहा करते थे। वो रावण
मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ है, ध्यान रखिए। अंतिम समय है। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण की मृत्यु का समय है, रावण से कुछ शिक्षा लेकर के आ जाओ। लक्ष्मण ने कहा भैया आप कैसी बातें करते हैं, रावण हमारा दुश्मन है। अरे बोले भले दुश्मन हो लेकिन रावण जैसा प्रकांड विद्वान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हुआ है। वाह रे राम के परिणाम, वाह राम का जीवन है जिसके लिए बरसों युद्ध लड़ते रहे। लेकिन रावण को राम ने कभी दुश्मन नहीं समझा। राम ने यदि रावण को मारा है तो उसकी बुराइयों को, उसकी अवगुणों को मारा है। राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, ध्यान रखना रावण तभी तक दुश्मन था जब तक हथियार लिए युद्ध के मैदान में खड़ा था। आज मौत ने उससे हथियार छीन लिए हैं, अब दुश्मनी का व्यवहार नहीं, अब तो इंसानियत और मानवीयता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसी साहस राम में ही हो सकती इस धरती पर। अभी कैसा दुश्मन, अब तो ये निढाल पड़ा है, जाओ उसकी विद्वता के कुछ अंश लेकर के आओ। जाओ लक्ष्मण राजनीति की शिक्षा लेकर आओ रावण से। गया लक्ष्मण, गए, रावण लेटा हुआ था। लक्ष्मण ने किया हे लंकेश, श्री राम ने मुझे भेजा है। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा, दो आंसू ढुलका दिए आंखों से। लक्ष्मण ने कहा कि रो रहे हो, बोले मैंने देख लिया कि दुनिया में कितना भी बटोर कर रख लो, जोड़कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब जाओगे तो एक चुटकी आटा भी साथ, किसके लिए मैं ये सब कर रहा था। बोलो लक्ष्मण, मेरे पास समय कम है, क्या पूछना है। बोले रावण लंकेश मुझे इतना राज बता दो कि राम के पास एक धनुष था, तुम्हारे पास लाखों अस्त्र शस्त्र थे, तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारे पास विद्याएं थी, तुम तो वो हो कि जिसने शीश काट काट कर महादेव को समर्पित कर दिए थे। ऐसा शक्तिशाली रावण, ऐसा साहसी रावण आज मृत्यु सैया में अकेला क्यों पड़ा है। तुम्हारे पास तो कितनी बड़ी सेना थी, हमारे पास तो भालू बंदर और था क्या। हमारे पास क्या बात है लंकेश कि राम जीत गए और तुम हार गए। रावण ने आंसू की धारा बहाते हुए कहा कि लक्ष्मण ये मत सोचो कि राम में ज्यादा ताकत है इसलिए वो जीत गए, या रावण कमजोर था इसलिए हार गए। दुनिया में किसी की ताकत नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से घबराया करते हैं, लेकिन आज मेरी पराजय हुई है और आज राम विजेता हुए हैं। इसका कारण तुम पूछना चाहते हो तो इसका इतना ही कारण है लक्ष्मण, राम इसलिए जीते और मैं रावण इसलिए हारा कि राम के पास विभीषण जैसा भाई नहीं था और मेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था। यही वजह है कि मैं पराजित हो गया और राम मुझसे, मेरे पास विभीषण जैसा भाई था और राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था। और एक बात ध्यान रखो लक्ष्मण कि जिसके साथ लक्ष्मण होगा, जिस भाई के साथ लक्ष्मण जैसा भाई होगा, रावण तो क्या तीनों लोक भी उसे पराजित नहीं कर सकते हैं, वो विश्व विजेता हो जाए। मेरी हार का कारण मेरा भाई है और राम की जीत का कारण उनका भाई है। काश मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई होता ना, तो रावण को 10 अवतार, राम को 10 अवतार लेना पड़ते तो भी मेरा वध नहीं कर पाते। ये भाई की ताकत है लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे भाई दुनिया में सबको प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। ध्यान में मान्यवर, भाइयों में प्रेम। जब राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण दौड़े दौड़े मां सुमित्रा के पास गए, बोले मां देख नहीं रही है अयोध्या में क्या हो रहा है, 14 वर्ष का वनवास श्री राम को मिला है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, कौशल्या रो रही है, सुमित्रा रो रही है। लक्ष्मण गए, बोले मां आज अपने बेटे को एक वरदान दे दे। सुमित्रा ने कहा कि वरदान मत मांग, इन वरदानों के कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं, काश तेरे पिता ने वरदान नहीं दिए होते तो राम आज अयोध्या के राजा बन गए होते। वरदान मत मांग लक्ष्मण। उसने कहा मां छत्राणी होके वरदान से डरती हो। सुमित्रा ने कहा कि देख आज ये समय अनुकूल नहीं है। बोले मैं तेरा पुत्र हूं मां, क्या एक वरदान मुझे नहीं देगी। सुमित्रा ने कहा आज वरदान मत मांग, आज पूरी अयोध्या रो रही है, आंसू बहा रही है और इससे बुरा दिन अयोध्या में कभी नहीं आ सकता है कि राम को वनवास। लक्ष्मण ने कहा मां
यदि आज नहीं दिया तो इससे बुरा दिन भी दुनिया में कभी नहीं आ सकता है। सुमित्रा ने कहा, क्या वरदान मांगता है? बोले, वचन दे कि तू मुझे वरदान देगी। सुमित्रा ने कहा, दिए वरदान, मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? आज अयोध्या की ये रानी अपने बेटे को वरदान देती है। तो लक्ष्मण ने माँ के चरण छुए और माँ का हाथ अपने सिर पर रखवाया और कहा कि माँ एक ही वरदान दे दे कि पिता के वचनों के लिए बड़ा भाई जंगल जा रहा है तो माँ के वचनों के लिए लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार है। माँ मुझे वचन दे, मैं भैया राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। पिता तो मुझे जाने की आज्ञा ना देंगे, लेकिन तू मुझे वचन दे कि मैं राम के साथ वनवास जाऊं 14 वर्ष, वरना माँ यहाँ प्राण विहीन जीवन जीकर मैं क्या करूंगा। सुमित्रा की आंखों से आंसू आए, दोनों हाथों से उठा लिया लक्ष्मण को, अपनी छाती से लगा लिया और कहा, वाह लक्ष्मण, आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली है, जा तुझे वरदान देती हूँ, राम के साथ वनवास में रहना, ध्यान रखना, और मेरे बेटे इतनी सेवा करना, भैया राम की इतनी सेवा करना कि जब तक तेरा भाई सो ना जाए उसके पैर दबाते रहना और भावी सीता में अपनी माँ सुमित्रा के दर्शन करते रहना। मैं तुझे आदेश देती हूँ कि जा तुझे भी वनवास, आपकी देवरानी आपके साथ, आपके जिठानी के बच्चों के साथ अपने बच्चों के लिए ऐसे व्यवहार रखती है। विचार करिए, क्या धर्मात्मा बनोगे, क्या घर को स्वर्ग बनाओगे। भेज दिया सुमित्रा ने लक्ष्मण को। राम ने कहा कि माँ लक्ष्मण को क्यों भेज रही हो मेरे साथ, इसे अयोध्या संभालने दो। सुमित्रा ने कहा, नहीं पुत्र राम, मेरा इस परिवार में आना दो ही कारण से हुआ है। मेरी दो संतान है, एक लक्ष्मण है, एक शत्रुघ्न है, और मैंने बचपन से इन्हें यही सिखाया है कि लक्ष्मण तू अपने भैया राम का चाकर बन के रहना और शत्रुघ्न तू भरत का सेवक बन के अपनी जिंदगी गुजार दे। क्या संस्कार दिए जाते थे माताओं के द्वारा, क्या संस्कार थे हमारे परिवारों के, इतिहास उठा करके देखिए। और जब विदा होने लगे राम, तो कौशल्या ने आंखों में आंसू भरते हुए राम से कहा कि राम, ये जो सुमित्रा नंदन तेरे साथ जा रहा है, मेरे बेटे तू मुझे वचन दे के जा, ये सुमित्रा की अमानत मैं तेरे साथ सौंप रही हूं, और बेटे तेरे प्राण चले तो चले जाएं, लेकिन लक्ष्मण को साकुशल वापिस लेकर के वापिस आना इस अयोध्या में, बिना लक्ष्मण के तू वापिस मत लौटना। क्या भावनाएं थी इन माताओं की कि लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं, मेरी बहन सुमित्रा का अमानत है जिसे साकुशल तुझे वापिस लौटाना है। सीता से कहा कि पुत्र वधु, लक्ष्मण का ख्याल ऐसे रखना जैसे मैं अपना राम का ख्याल रखती हूँ। क्या भावनाएं रही इन लोगों की, क्या भावनाएं आज हमारे परिवार की। हम रामायण पढ़ते हैं लेकिन रावण जैसा जीवन जिया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, इतिहास में दो युद्ध बहुत फेमस हुए हैं, दो युद्धों की चर्चा है इतिहास में, एक तो महाभारत की चर्चा है और एक रामायण की चर्चा है। दो ही चर्चा इस देश को है, भारत की पहचान ये दो बातें ही हैं, एक तो महाभारत भारत की पहचान है और एक रामायण महाभारत भारत की पहचान है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, महाभारत तो एक कलंक है इस धरती के लिए, महाभारत एक कलंकित कहानी है इस धरती के लिए, महाभारत कोई भारत की शान नहीं हो सकती है, महाभारत तो अभिशाप है इस धरती के लिए, लेकिन रामायण वरदान है इस धरती के लिए। ध्यान रखिए, रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं हुआ करता है। मैंने रामायण पढ़ी है, जैन रामायण पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तुलसी रामायण पढ़ी है, दक्षिण की रामायण पढ़ी है, रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं।